केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कुछ कह रहे हैं, उनको देखते हैं और उनको सुनते हैं। हमारा मंडल है, इसमें सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी पे होती थी। थोड़ा लंबा हो जाएगा, आगरा से रावत जी, अलीगढ़ से शीला गौतम जी, प्रभुदयाल कठेरिया फिरोजाबाद से, दिलेर साहब हाथरस से और महादीपक साहब एटा से, तेजवीर सिंह मथुरा से, जब बीजेपी के तीन तीन बार जीतते थे। उन दिनों मेरे को नेताजी ने कहा कि जलेसर जाओ, मैं अकेला वहाँ समाजवादी पार्टी से जीता, वो मेरी पसंद सीट नहीं थी। तीन बार जीता था, चौथी बार में टिकट काट दी, तो भेड़ तो नहीं चलाऊंगा, करनी तो राजनीति है। उसके बाद मेरे को बहन जी ने कहा कि अखिलेश यादव से लड़ाओ। ये मैं रोकूंगा आपको, इसलिए रोकूंगा कि पीछे की राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी में चेहरा ही नहीं है क्या कोई? नहीं नहीं, अभी ना, फिर मैं अखिलेश यादव से लड़ा, फिर पार्टी ने कहा डिम्पल से लड़ो, डिम्पल से लड़ा, फिर मैं राज्यसभा में चला गया। एक दिन प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ कि राज्यसभा छोड़ दो तीन साल की, और दो दो हाथ जाके अक्षय से करो, तो अक्षय जी से लड़ा। फिर मुझे आदेश मिला कि एक टुंडला विधानसभा जो 16 बार हारी जा चुकी है उसको जिता सकते हो। मैंने कहा मैं 4 बार का एमपी हूँ, एमएलए नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन एक वोट से कहीं सरकार ना रह जाए। मैं चुनाव लड़ा, जीता। एक दिन फ़ोन आया आपको मंत्री बनना है, मैं योगी सरकार में मंत्री बन गया। फिर एक दिन फ़ोन आया कि मंत्री पद छोड़ो और आगरा लोकसभा सपा बसपा गठबंधन में कठिन है, वहाँ लड़ो, तो यहाँ लड़ा, जीत गया। एक दिन फ़ोन आया कल आपको राष्ट्रपति भवन में शपथ लेनी है, ले ली। और फिर एक दिन फ़ोन आया कि आपको करहल विधानसभा में चुनाव लड़ना है, तो मैं वहाँ चला गया। करहल पे तो आऊँगा, कोई चमत्कारी बाबा टाइप के हैं, कोई तिलिस्म है क्या है, जहाँ जाते हैं चुनाव लड़ते हैं, कभी राज्यसभा। एसपी सिंह बघेल की बात आपने सुन ली, एसपी सिंह बघेल की बात आपने सुन ली। अब हम चलेंगे वीरेश